हाय गाइस आपण मन समस्त मचनक बहुत बहुत स्वागत होप करछि समस्त भलरे थिबे। वीडियो टिक स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और हां बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जाफले आपण माने मोर कोनोसी वीडियो को मिस करिवेनि। आज ही होछि अप्रैल 19 तारीख रविवार और वर्तमान बजि गेलानि सकाळ 10टा बजि गेलानि। तो मुझ ब्रेकफास्ट करने रोसे घर को आसी आज ब्रेकफास्ट चाउमिन हम तो से गोटे कड़ाई में किसी पा नहीं पा टे गरम होगापर गोटे दी चमच तेल दे दीजिए आ कि लुण दे कि चाउमिन टा मुझे सीझे नेबी आ तेल देवार कारण ये जब तेल देवे ना चाउमिन टाइम गोटा गोटा रहा जमा भी मानते सीझिकी जमी लगि जाए ना भर्ता परीक्षा होगी लगि जाए स्टिकी स्टिकी तो सेम जमा भी हेनी। तो ये देखो मुझे अदा रसुण आ लंका नहीं जोटा को बाटिकी गोटे पेस्ट करी। तो ये मुझे किसी कैप्सिकम नहीं गाजर नहीं बंधाकोबी फुलकोबी नहीं फुलकोबी हूँ ऑप्शनल आप चाहिए दे भी पारती न भी दे पारती बट मत भल लगे से मुझे तो सहित ये देखते कि पिज नहीं धला पिज चाउमिन करने गोटे कड़ाई में मुझे दुई रु तीन चमच तेल देली आ नॉर्मली जो रोड साइड रे जो चाउमिन हुए ना तो से अधिका तेल दिखती और तेल टिके अधिका देले बहुत ही भल लगे तो से दुई रु तीन चमच मुझे तेल देखिए आपने देखिए कि आप तेल मानते क्वांटीटा कमी जाऊँ गोटे स्पून अधिका भी देदेवे किसी असुविधा हेनी। तो सेपटे साइड बै साइड मुझे चाउमिन टाक भी सीझे नौ भल भाव सीझे नौ तेल गरम होगापर मुझे जो अदा रसुण आ लंका नहीं तो बाटिके गोटे पेस्ट या तो ये पेस्ट को भल भाव मैंने कषी ने जिते भी आप चाइनीज करेंगे ना सब अदा रसुण गोटे पेस्ट देवे आईटा दे चाइनीज बास्ना बहुत भल आसे आ चाइनीज ये जिनसा सब दुकान रेस्टोरेंट कि रोड साइड भी कहतु तो से निश्चय दिखती तापर किसी पिज नहीं कि भल भाव भाजी नेबी जपर्य पिजटा टिके मानने नाली हम दरकार नहीं जस्ट जस्ट सीझी आसब तो से पर्यंत भल भाव भाजी नेबी। वर्तमान चाउमिन टा सीझी गलानी एटा को भल भाव धोई नेबी आ चाउमिन को बहुत अधिका भी सीझे जहाँ फिर भर्ता भर्ता हो तो देखिए जस्ट सीझी आसला बेला गोटा गोटा थी तो सेतबले ही धोई नेबे आठ गोटे आपको टिप्स कहूँ तो चाउमिन टा को जिते बड़े धोबे ना से पूरा थंडा पाने ही धोबे जमी फ्रिज रु पा बाहर ना से भाला थंडा पाने ही धोबे आते थंडा पाने धोबे ना चाउमिन टा से गोटा गोटा दोकान कि रेस्टोरेंट रे जमी पूरा गोटा गोटा थाए ना चाउमिन से मानते पूरा सेमती गोटा गोटा रोह ना कौन हम ना चाउमिन को आपड़ जब नॉर्मल पानी धोबे ना धोई सारापर भी चाउमिन टाइम लगी लगी जमा भी भल हेनी। तो से चेष्टा करेंगे कि जिते थंडा पा ना कौन करेंगे ना बरफ को भी तादेह पकईदे पानी में मिसेक ढाबे देखिए पूरा गोटा गोटा चाउमिन रो बर्तमान देखते पिजटा भाजी होगला कि गाजर और कोबी देकि जो फुलकोबी देखिए भल भाव दी तीन मिनिट भाजी ने वर्तमान गाजर और फुलकोबी भाजी आसलानी एथिरे मो कैप्सिकम और जो काटिकी रखी थी बंधाकोबी तो सेटा को देखिए दुई रु तीन मिनिट भल भाव भाजी नेबी। वर्तमान देखु पर गुड़ाक सब भल भाव भाजी हो किसी गोलमरच देवी और मत मानते पर्सनाली गोलमरच गुंड चाइनीज बहुत भल लगे तो से मुझे आपण मानक जो भल न लगे आप देवे स्कीप करने बे।
भल भाव गोल सारा बर्तमान मुझे चौमिन देदेवी। तो बर्तमान आपने देखते चौमिन गुड़ाक पूरा गोटा गोटा ही अच्छी कहीं का सहित भी लगी ना। तो जमी मार्केट रे ही मिले चौमिन गोटा गोटा तो पूरा सेमती सेमती ही अच्छी। बर्तमान चौमिन और परिवा को भल भाव गोल देवी। आ गोल समय सब बड़े मन रखी था गैसटा अफ करदे ना कौन हम ना आम छोट पात्र जेहेतु मुझे करुच्ची तो चौमिन गुड़ाक सैड्रे सैड्रे लगे और स्टिक कर तो से गोलला बेल सब बड़े गैसटा को बंद करदे। देखो आम चौमिन टा प्रायत तो प्रस्तुत हो गला ए किसी लेंबू रस देवी। आप चाहिए भिनेगार भी दे पारती किंतु पर्सनाली मत भिनेगार भल लगे तो से किसी लेंबू रस देवी। शेष में मुझे धनिया पत्र देवी जस्ट इंडियन टच आने आम प्रस्तुत हो चाइनीज चौमिन। देखु यमी यमी चौमिन पूरा तैयारी हो जाए बहुत ही सुंदर देखा जाए पूरा मार्केट परिका ही देखा जाए। देखु और जम्मा भी चिपकिनी कि कई का सहित लगी ना पूरा गोटा गोटा ही अच्छी। बर्तमान मुझ हस्बैंड मिसिकी दीज जाक ब्रेकफास्ट खाई नौ चौमिन और मो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बहुत ही भल लगला। तो जमी मुझे आगु ही कही कि मो हस्बैंड को चाइनीज बहुत ही पसंद तो आज तक चौमिन टा बहुत ही भल लगुच और मो हस्बैंड कहते कि चल आज पगटा बहुत ही भल अच्छी तो बालकनी में बसिकी खाइबा किंतु जेहेतु आम छोट छुआ ना तो जगवा असंभव हो ठीक से ब्रेकफास्ट भी करहबनी छुआ पचर दौड़ापी पड़ो तो से कहली कि नहीं आम आज घरे ही ब्रेकफास्ट करने बा। ब्रेकफास्ट कर सारा पर मुझ रोष घर को आज जाइए होममेड एयर फ्रेशनर जहाँ रूम फ्रेशनर से करने तो से कौन कर गोटे कड़ई में किसी पा नहीं तो पा फुटिगला किसी कमला चोपा नहीं किसी कमला चोपा भी अच्छी ऑरेंजर जो जूस बार कर सारापुर जो रिमेनिंग पार्ट सब बढ़ जाए तो से गुड़ाक देखिए बर्तमान पा को भल भाव फुटे ने भी आुटिगला आप देखिए गोटे ऑरेंज कलर पा बाहर आने को ना स्प्रे बॉटल में भर्ती कर दे कि आपने घर चारिड़े स्प्रे करेंगे देखिए घर टा ना ऑरेंज ऑरेंज स्मेल हाँ बहुत भल फ्रेग्रेन्स आसो तसत तो जदि छोट छोट पक होते भी आपटा जी स्प्रे करेंगे ना मशा हो स्प्रे करेंगे तो जहाँफल ना मशा मछी किसी भी हेनी आ घर टाइम बहुत फ्रेश रोह तो देखो पाटा प्रायत प्रस्तुत हो गला ऑरेंज ऑरेंज पा बाहरी सारा बर्तमान दिन गोटे बाजला गाधे की ठाकुर पूजा कर सारे तो आज एक्चुअली मो मुंड धोई कारण मो मुंडर ना टिके डैंड्रफ भाया हो जाता मैंने रूपी गुड़ाक स्टार्ट हो जाता तो से मो प्याज रसुण अदा जो आपण आगुरु कही कि मुझे बटाटा लगाए तो से बटाटा दे कि घंटे घंटे रखिदी तापर तक भल भाव धोई नहीं तो बर्तमान मुझे आलोवेरा जेल और विटामिन ई र जो कैप्सूल मिले ना तो से ऑयल को मिसेक भल भाव मुहर में लगे दौर तो मुझे आगुरी भी कही कि मैं यू मुहर लगाए तो किसी विटामिन ऑयल मुझे ओठरे भी लगे जहाँ फल कौन हम ना फाटबनी तो बर्तमान मुझे लंच तैयारी करने जा।
तो वर्तमान मु लंच करिया पे आ जाय छी। तो आज लंच रे मु जुकिनी तरकारी करबी ओ जुकिनी टा होची ना जेने कखारु आ लाऊ प्रजाति रो को प्रजाति रे तो मु ठीक से कहि परबिनी। ओ ए भितर टा देखंतु बूढ़ा काकुड़ी भला ही देखा जाउची देखंतु। तो एटा को प्रजाति रे मु ठीक से कहि परबिनी किंतु एटा बेले बेले टेस्ट लागे माने मिडिल ऑफ माने मझिया मझी लाऊ आ जनी रे मझिया मझी सेमती ही लागे। वर्तमान आज मु से जो जनी आ पोस्त देकी जेमती तरकारी करंती तो सेमती ही तरकारी करबी। तो से छोट छोट कर भल भाव आईटा को मैं आलु सहित ही करी जमी जहनी आलु पोस्त तरकारी करती तो सेमती ही तरकारी करी मुटा को तरकारी करने गोटे पैन में मुझे तेल नेली दी चमच पखापाखि तेल नेली आठ कम तेल भी हम भल कि खराब लगे बस जीराटा फुटबार अच्छी तो से मुझे जीरा देली जीरा फुटिगला मुझे गोटे मानते मसाला पेस्ट देवी ए कि ना बस पियाज अदा रसुण आउ अल्प टिके लंका आ टमाटर देकी भल भाव बाटी नहीं तो बाटिकी या बर्तमान मसलाटा देदेली मसलाटा टे कषी ने कषिगला मुझे हलदी आ लुण दे देकी आउ किस भल भाव कषि नेबी जपर्यंत मसलार जो कंचा अंशा थाए ना से भल भाव पलैला पर्यटन भल भाव कषि नेबी आउ टे कषिगला किसी लंका गुंड देदेवि मुझे अल्प लंका गुंड ही आज देवी कारण मुझे मैंने गोटा जो ग्रीन लंका ना कंचा लंका से फाड़ फाड़ करके देवी तो से अल्प लंका गुंड दे कि भल भाव मसलाटा कषि नेबी। बर्तमान देखु मसलाटा भल भाव प्रायत तो ही कषि ए जुकिनी आलु देकी भल भाव गोलईदेवी तापर ए अल्प टिके पा देके गोल भल भाव घोड़ेदेवी जमीक यहाँ भल भाव सीझीज तो यहाँ सीम फ्लेम रे ही सीझेदेवी। गोटे छोट हाँ पोस्त पांचटा काजू को भल भाव फुटे नौफल कौन हम ना पोस्त आ काजुटा शीघ्र मानते बतरी बहुत सहजरे बहुत स्मूथ भाव में बाटी हो जब तो बर्तमान देखते जुकिनी आउ आलु प्रायत तो सीझी आसला बर्तमान एस्त आ काजु बटा को देकि भल भाव गोलईदेवी गोल सारापर घोड़नटा घोड़े मीडियम फ्लेम रे ही 5 रु 10 मिनिट रोसे कले ही तरकारी जुकिनी आउ आलु पोस्त तरकारीटा हो बर्तमान मुझे दीटा कंचा लंका देवी तो कंचा लंका को मझीरे ही फाड़ कर तो सेटा को देखिए भल भाव मैंने झोल भितर पूरेदेवी कारण कंचा लंकाटा ही सीझिले ही झोल से पशिले तो बास्नाटा आस बहुत ही भल लगे तो बर्तमान आपको घोड़े देखिए 5 रु 10 मिनिट रोसे करदेवी। तो देखु 5-10 मिनिट पर आम तरकारी प्रस्तुत हो गला तरकारी हो गला तो बर्तमान मो परटा करे तो आपण मानक आगु ही कही कि आम लंच प्रायत रुटी ही खाऊ तो सब बेले मैंने डिनर में रुटी खाइबू आउ मैंने लंच रे रुटी खाइबू तो बोर लगे तो से भाविली कि परटा ही करदेवि तो सिंपल परटा ही करनौ बर्तमान संज 6 बाजिले आम मैंने लंच खाई शोई पड़ू तो बर्तमान ही शोक उठिलु तो देखु संज भी हो आसला संज ही आसला तो से पूरा घर मुझे झाड़ू मार सारे बर्तमान ये जो कारपेटा को भैक्यूम करदेवि कारण आज हूँ रविवार आम सत्संग अच्छी तो सत्संग मो हस्बैंड आज ठाकुर विषय किसी कहे मानते कि कहवापी तो से कारपेट्रे बस कहे तो आपेटा को मो दीदी भैक्यूम करनी तो टी असना हो जाए सका भी टाइम मिललानी कि मैंने भैक्यूम करने तो बर्तमान एक भैक्यूम कर सफा करनौ 8 बेले जमीक सब रविवार 8 बेले ही आम सत्संग स्टार्ट हुए 8 बेले ही सत्संग स्टार्ट हो
बर्तमान सत्संग स्टार्ट हो जाएगी और सत्संग तो सब बेले ठाकुर मानते प्रेयर रू स्टार्ट हुए तो सेमती प्रेयर रू स्टार्ट हो जाएगी। तापर जड़े भजन गाइबे जड़े अनुभूति ठाकुर विषय में सेयार करेंगे तो एमती पूरा लिस्ट अच्छी तो लिस्ट प्रोसीजर व्वज ही मानते लिस्ट किए क्या पर कहे तो तापर ही समस्ते कही चलते uncertain times like this. So what I wanted to talk today is about, you know, the relationship between science and religion. This is something that Shishi Thakur has talked about in great length, and his voice was one of the most energetic, one of the most prophetic voices in the 20th century, which talked about, you know, the interdependence between science and religion. This is something a lot of other religious heads have kind of taken an aversion to. Even now we see we must be seeing news on a day-to-day basis that in certain states there are scientists and there are doctors who are coming and telling us to do a certain thing, and then there are certain religious heads who are telling us to do something else, entirely opposite, exactly opposite of what is expected of us. So there is a big conflict which is brewing between science and religion, and you know, this is something that has been happening for a while, and what I wanted to do is just touch upon some of Thakur's teachings on that. So Shri Thakur was one of the, you know, foremost, he was one of the most prominent people who said that science and religion can coexist. They indeed do coexist. They aim for the same thing. They are not, you know, mutually exclusive. They are not, they don't go against each other. There is no fight between science and religion. So Shri Thakur said that what is religion? Religion is something like a code of conduct. It's like a way of living. So it basically tries to elevate you so that you come into communion with God. So you become, you know, you elevate yourself through religion, through the way you live. Through the... बर्तमान राति 10:30 बजिगलाणी आउ आम सत्संग सरीगला 9:15 पाखापाखिरे ही सरीगला तो तापरे ना आमे माने शीघ्र शीघ्र ही डिनर करी खाई देलु कारण आज ना संजय बेले स्नैक्स किछि भी खाइ नथिलु तो सेति हम बोजर भोक करतला तो सेति हम भात डाली आ भजा खाइ देलु तो गोटे कुकर रे भात बसाइ देली गोटे कुकर रे माने प्रेशर कुकर रे डाली बसाइ देली आ भजा करतली तो खाइ देलु आउ जेमती आज खरा बेले ना परटा खाइथिलु ना आउ राति रे पुणी थरे रुटी खाइ पई इच्छा हलाणी कारण गोटे दिन रे ना दि थरे रुटी खाइ पई कि परटा खाइ पई भल लागेनी तो सेइथिपाई भात ही खाइदेलु तो जमती मो आज सकाळे आपण मानक देखेली कि आमर चौमिन होता तो एक्चुअली ना आमर बहुत दिन है चौमिन सरी जाइला आज जो अर्डर करूँ ना मसे तले ही अर्डर करूँ मसे पर आसला आकाथर की ना 16 पैक आसमें बहुत सारा आसी तो से भाविली कि नहीं बहुत दिन है खाइन तो से आज चौमिन करदे चाइनीज स्टाइल हाँ मो हजबैंड को तो आज यूजुअल मानते चाइनीज आइटम बहुत ही भल लगे तो सी खाइले मत भी खराब लगे तो मुझे खाइली तो ब्रेकफास्ट पर तो लंच रे आपण मानक देखिए जुकिनी बोलिक तो सहीटा ना गोटे मानते कखारू जातिर मानते पर समस्ते कहते कि टेस्ट ना मोर लेस लाऊ आउ मानने जहनी रे मझा मझी लगे तो से ना सब पोस्त देखिए जहनी आलु पोस्त हुए तो सेमती तरकारी करे और यहाँ ना दीटा कलर रे मिले जुकिनीटा गोटे ना एमती ग्रीन ग्रीन कखारू जमी थाए ना पूरा ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन स्पट था तो यहाँ ना सेमती ही मैंने मिले तो नर्माली आम से ग्रीन टा ही आणु कि ना से ग्रीन टा मिललानी बोलिए येलो टाइम आनते टेस्ट सामान कि खाली ये कलर टा अलग से ग्रीन था यहाँ हूँ मानने येलो टाइप रलर तो यहाँ मुझे एमती जहनी जमी जहनी आलु ये करती राइ तो सेमती ही करी तो बहुत भल लगुला तापर ना आज आम मैंने लंच खाई सारापर आइसक्रीम खाइलु तो आइसक्रीम टा ना एक्चुअली मुझे घर करी काली ही एक्चुअली घर करी और काली जो वीडियो करी ना मोर कौन हो ना सॉफ्टवेयर सब मैंने नष्ट हो जाए सब जहाँ वीडियो भिडियो करी खराब हो गला तो से काली किसी भी वीडियो जहाँ करी ना सब बंद करदे डेली ब्लॉगिंग जहाँ कर सब मैंने खराब हो गला ना वीडियो गुड़ा तो से खाली आइसक्रीम वीडियोटा ही पकई देती तो सही जो आइसक्रीम करी ना केमती करें भिडियो आपको देखी केमती कर देखी ने तो से जो ऑरेंज रो आइसक्रीम ना सीटा काली खाई आज भी टिके थिला तो लंच खाई सारापर से खाइल बहुत ही भल लगुला पूरा फ्रेश फ्रेश लगुला ना फ्रेशनेस पूरा ऑरेंज रहा तो बहुत ही भल लगुला ये टिके पग भल ही आसलानी ना टिके टिके खरा आड़ जाऊँच तो खाला बेले खरा बेले भी आज पग भल था तो से खाइबे बहुत ही भल लगे तो आज से आइसक्रीम टा खाइलु
ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି କି ତମେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅଛି ନା ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମେସିନ, ତ ସେଇଟା କାଢି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ନା ଆମର 2015 ଆସିଲାଣି, ଆଉ 15 ଆସିକି ନା ଜମା ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉନି। ଜିମ୍ରେ ତ ମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ଅଛି ନା, ତ ଜିମ୍କୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଜମା ବି ୟୁଜ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଅବିକା ମୋ ମାନେ ଖରାବେଳେ ହିଁ କହିଲି କି ତମେ ଏଇଟା ଠିକ ସେ କାଢିକି ସଫା କରିଦିଅ, କାରଣ ତା ଉପରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପକେଇକି ମାନେ ନରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସେଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମେସିନ୍ ଥିବ ସେମିତି ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ସଫା କରିଦିଅ, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତମେ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବ। ମୁଁ ତ ଯାଉ ମୋର ଲେସ୍ କାମ କରିକି ଟିକେ ମୋର ଲେସ୍ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କ'ଣ ଅଫିସ କାମ, ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ବସି କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉନି। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ନର୍ମାଲ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ଆଉ ଜିମ୍ ତ ଯାଇ ହଉନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ ଏଇଟା ସଫା କରିଦିଅ, ତ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଥିରେ କରିବି। ତ ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଦିନ ବାଏ ବାଏ।